अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बात करते हैं अगली खबर का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह से एक रूस यूक्रेन जंग है। उसने कहा है कि महंगाई बढ़ने का दोष सेंट्रल बैंक पर मढ़ना गलत है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई से राहत मिलने के आस बहुत कम दिख रहे हैं। वहीं महंगाई के असर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाने की कीमतें बढ़ गई हैं, वहीं शहरी इलाकों में डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ रही है। फरवरी महीने में अब तक खाने पीने की चीज़ों, फ्यूल, बिजली, ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 52% का इजाफा हुआ है। यदि इनपुट कॉस्ट में प्रभाव को खासतौर में FMCG सेक्टर को पर्सनल केयर और इन्फेक्ट पर योगदान देता है तो उनमें इसे जोड़ दें तो पूरे भारत में ये 59% की महंगाई इसको देखते हुए होगी जो युद्ध की वजह से हुई है। वहीं महंगाई के लगातार बढ़ने की वजह से ये तय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI आने वाले जून और अगस्त महीने में होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे अगस्त तक इंटरेस्ट रेट 5.15% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्याज दर को बढ़ाने से ग्रोथ पर कोई फर्क पड़ेगा, खास तौर से तब तक इकोनॉमी कोविड के प्रभाव से उभर रही हो। इस रिपोर्ट में RBI के प्रयास की सराहना भी की जा रही है। रिपोर्ट का कहना है कि ब्याज दर बढ़ाने के पीछे की वजह महंगाई कम करना है। ब्याज दर की बढ़ी हुई कीमतों से फाइनेंशियल सिस्टम को भी फिर से उभरने में मदद मिलेगी। तो ये थी बात कि रूस यूक्रेन जंग से बढ़ती महंगाई को लेकर, कि रूस और यूक्रेन जंग ने जो महंगाई है उसे और भी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ा दिया है। वहीं SBI ने कहा कि देश में 59% तक महंगाई की वजह युद्ध है। वहीं सेंट्रल बैंक को दोष देना अभी ठीक नहीं होगा। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स TV के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।